गुस्से में है बोल रहे अंकल जी गाइस। चलो फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ, फिलहाल जले हुए हीटर। तो है गाइस, फिलहाल मैं हे गाइस ही बोलूंगा और ब्लॉगिंग स्टार्ट करेगा आज देव भाई, देखते हैं क्या बोलते हैं ब्लॉगिंग स्टार्टअप में। फिलहाल मेरे साथ में रह के काफी ज्यादा सीख भी गए उन्हें। लो पकड़ो फोन, चलो बोल दो ऐसे ही, क्या बोलना चाहते हो? जोर से बोलना, थोड़ा आवाज अच्छी आना चाहिए। बोलो, आज नया चीज बना इधर, नया पार्क है क्या है? पहले हेलो गाइस तो बोलो, कैसे हैं? हेलो गाइस, माय नेम इज देव। सो आज देखते हैं इधर नया हमारा किचन, नया नया चीज बन रहा है। तो हे गाइस, फिलहाल देव भाई करे कोशिश बोलने के, बाद में देखते हैं जब लास्ट में घर जाएंगे फिर इनसे पूरा एक ब्लॉग ही बना लेंगे, देखते हैं कैसा बोलेगा। और काफी ज्यादा अंधेरा है सामने, और मतलब कि आज कुछ नया बना है, फ्लैक्स बना है, मतलब कि साइड में जो काउंटर था ना वहाँ पर लग चुके कुछ इस तरीके के फ्लैक्स, जैसे कि आप लोग देख सकते हो बुकिंग का काउंटर 909 और अंदर का कुछ इस तरह का नज़ारा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है गाइस। मतलब काउंटर बहुत अच्छा लग रहा है ना, देखो यहाँ पर क्या क्या है, राफ्टिंग एंड पैराग्लाइडिंग। इधर जाओ देव भाई, एकदम मस्त वाले। तो ये देखो देव भाई को, तो दे भाई आपने क्या क्या करना, राफ्टिंग पैराग्लाइडिंग कुछ भी? मैंने तो पैराग्लाइडिंग करना, पैराग्लाइडिंग मुझे अच्छा लग रहा है, बाकी राफ्टिंग पैराग्लाइडिंग, पैराग्लाइडिंग वाले भैया है ये, डर लगता है थोड़ा माइकल भैया। वाओ गाइस, अंग्रेज ऑल फ्रेंड्स, आप लोग ने भी कभी राफ्टिंग करना होगा, जो मेरे वीडियो बाहर का आदमी देखते हो गए तो आया हिमाचल प्रदेश में मंडी डिस्ट्रिक्ट झिरी राफ्टिंग पॉइंट में, आपको यहाँ पर राफ्टिंग करने के लिए सुविधा हो जाएगी बिल्कुल एकदम। ओके गाइस डन, फिलहाल आज तो एक बना है, अभी दूसरा वाले भी तैयार हो रहा है, पता नहीं दूसरा वाले कितना बना है। तो देव भाई ने तो पैराग्लाइडिंग ही करने वाला, और दूसरा वाले कहाँ गया? अच्छा गाइस, दूसरा वाले भी तैयार हो गए काफ़ी ज़्यादा, और यहाँ पर लगा बैन। वाओ, दूसरा वाले भी गाइस, ये देखो सुहाना, एकदम अच्छे अच्छे फोटो, मतलब फोटो इसमें इतना अच्छे अच्छे लगे हैं ना, हर कुछ ही। इसका मैं आज थंबनेल में लगाऊंगा, एकदम फोटो खींच के एकदम मस्त वाले थंबनेल में लगाऊंगा गाइस। बस आप लोग दिल से सपोर्ट करो, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो चैनल को, जल्दी जल्दी गाइस, झूठ नहीं बोल रहा मैं, सही बात, क्यों देव भाई, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो और एकदम अच्छे वाले व्यू के साथ। तो जरूर मैं भी किसी दिन राफ्टिंग करने जाऊंगा या पैराग्लाइडिंग करने जाऊंगा तो आप लोग को जरूर दिखाऊंगा गाइस। मतलब राफ्टिंग करने मैं नॉर्मली जा सकता हूँ कभी भी, क्योंकि राफ्टिंग में तो हमारा काम ही होता है, कभी भी जा सकते हैं, फ्री में हो जाएगा हमारा। मेरे तो ऐसा कुछ नहीं है, अपने सारे भाई लोग ही है। पैराग्लाइडिंग अभी नहीं करूंगा फिलहाल, पैराग्लाइडिंग करूंगा थोड़े दिन के बाद, मतलब थोड़े दिन के बाद क्या, अभी करेंगे नहीं, जब तक हमारे वहाँ खुद के वहाँ GoPro नहीं होगा तब तक नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें वीडियो बनाना पड़ते हैं एकदम अच्छे वाले क्वालिटी वाले, फिर आप लोग को मजा आए और मेरे को भी मजा आए, ऐसे लाइफ स्टाइल ब्लॉग हो जाएगा बोले खतरनाक जैसा। गाइस मतलब कि आप लोग को आज को दिखा दिया न्यू काउंटर फॉर 909, ये भी गाइस जहाँ पे हम होते हैं जिन मालिक के पास, मतलब भैया के पास, उनका रिश्तेदार का है कुछ इस तरह काउंटर, ज़्यादा अच्छा लगते हुए मतलब बैक साइड में है, और मतलब काउंटर इतना ज़्यादा अच्छे में बनाया ना गाइस, सीधा बहुत बड़ा काउंटर है, सामने बीच में बिल्डिंग है, उससे पीछे भी काउंटर है, 909 का काउंटर है, और इधर भी लग गया है कुछ इस तरह के फ्लैक्स, जिसे आप लोग देख ही सकते हो मैं कहाँ पे हूँ इस टाइम, यहीं पर हूँ कुल्लू मनाली, राफ्टिंग एंड पैराग्लाइडिंग, 909 काउंटर नंबर। और देखते हैं किचन के हालात क्या है थोड़ा बहुत, फिलहाल किचन तो ऐसे ही है, ज़्यादा नहीं दिखाएंगे आप लोगों को किचन, मैंने बहुत बार दिखा दिया। देव भाई कहाँ गए गाइस? देव भाई गुम हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया। कहाँ गए गाइस? देव भाई हो गए थे गुम थोड़ी देर के लिए, हो गए थे कहीं और, तो फिलहाल जाते गाइस रूम की ओर। देव भाई रूम जाना, कहाँ जाना? तो फिलहाल देख यहाँ पर खींचते थोड़ा सा फोटो, आज न्यू काउंटर बना है तो थंबनेल के लिए चाहिए चाहिए फोटो एकदम अच्छे वाले, आ जाओ देव भाई फोटो खींचते। चलो गाइस मिलते हैं आप लोग के साथ फोटो खींचने के बाद, क्योंकि फोटो खींचूंगा मैक्सिमम फिर फोन बंद हो जाएगी, फिलहाल मिलते हैं आप लोग के साथ फोटो खींचने के बाद, फिलहाल बाय बाय, एकदम मस्त सब्सक्राइब करो गाइस, बाय बाय। तो ये गाइस फाइनली खींच लिया हमने फोटो थंबनेल के लिए, फिलहाल चलते हैं रूम की ओर। देव भाई खेल रहे गेम, इनसे फोटो खींचना भी नहीं हो गया, कौन सा गेम खेल रहे हैं? तो दे भाई यहाँ पर देखो गाइस, रात को डेली पैसा कमाते, मतलब दिन को अलग दिहाड़ी और रात को अलग दिहाड़ी। कितने रुपए कमाए आज तक गेम से हैं? कितने कमा लिए? तो गाइस एकदम सुहाना सा व्यू, नीले नीले आसमान रात को भी, मतलब ऐसी बात है, फोन की क्वालिटी तो अच्छी है,
और मैं इसमें 4K में वीडियो शूट करता हूँ एकदम अच्छे वाले, ताकि आप लोग को ज़्यादा पसंद आए, मेरे को पसंद आया ना कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग को पसंद आना चाहिए ज़रूर। फिलहाल चलते हैं, अंकल जी से भी मिलेंगे, आप लोग को भी मिलाएंगे। तो गैस आज फाइनली बैन चमक रहा है, एकदम अच्छे से धो दिया इन्होंने, ऐसे नहीं तो ऑफ रोडिंग का ही लग रहा था पूरा सा, अच्छे से धो दिया बिल्कुल साफ़। और सामने रही ये वाली बिल्डिंग जहाँ पर हम होते हैं रूम में, तो फिलहाल चलते हैं। तो गैस पता ना आप लोग को मेरा ये रात का ब्लॉग कैसा लगता होना, डेली देख देख के आप लोग भी तंग हो गए होने। गैस जितना जल्दी आप लोग सपोर्ट करते हैं उतना जल्दी अच्छा ब्लॉग देखने के लिए मिल जाएगा। दे भाई धोया हुआ कपड़ा और आज धोना है मैंने भी कपड़ा, मतलब कपड़ा धोने का आज तो मैं धो लूँगा, ऐसे तो 4 दिन से सोच रहा हूँ कपड़ा धोना, कपड़ा धोना धोता ही नहीं कभी, और आज तो मैंने धो ही लिया कुछ भी हो जाए। तो बस गैस अंकल जी ये रूम में बैठे हुए, फिलहाल हम दोनों गए थे बाहर ब्लॉग बनाने के लिए, दे भाई के साथ ब्लॉग बना मज़ा आता है थोड़ा सा इसलिए। अब वो खेले लूडो, दिन पूरा करते काम, रात खेलते लूडो, कमाते कितने 10-20 रुपये कमाते, वो भी हार जाते बेचारा दे भाई मायूस होके आते हुए। कल रात को कितने हार गए थे? 20 रुपये कमाए कितने थे कल? ऐसे कमाए 10 रुपये कमाए और 20 रुपये हार गए, 2 लाख के बिजनेस था, 2 लाख की कैसे हो गया? तो यहाँ पर अंकल जी कर रहे हिसाब किताब अपना एकदम, और हमारे रूम का लाइट कुछ इस तरह के अच्छे वाले। तो अंकल जी हाय बोल दो कुछ है। हाय गुस्से में है बोल रहे अंकल जी गाइस। चलो फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ, फिलहाल जले हुए हीटर, एक कुरकुरा कहाँ से लाया? फिलहाल आज मेरे को ये सारा कपड़ा धोने को ही बैठे सूख रहे हैं फिलहाल। तो चलो गाइस धोने को बजाय ढेर सारा कपड़ा, फिर मिलते हैं आप लोग के साथ हम जल्दी कल नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। तो पता ना आप लोग आज का ब्लॉग कैसा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब जरूर करना, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो फॉर वॉचिंग, बाय गाइस, लव यू, टाटा बाय।